अजमेर की विमला मार्केट के नजदीक लक्ष्मी मार्केट में भीषण आग को लगे 10 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 3 मंजिल इस इमारत में कपड़े की व्यापारियों के साथ ही मेडिकल शॉप और अलग अलग दुकानें संचालित की जा रही थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद पूरी इमारत में लगातार आग फैलने लगी। इसके बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लेते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन 10 घंटे से भी अधिक बीत जाने के बावजूद व्यापारियों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। आग को लगातार बढ़ता देख आसपास के मार्केट की दुकानों को भी खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। नगर निगम के साथ ही सिविल डिफेंस और SDRF की टीम भी आग बुझाने के लिए जुटी हुई है, लेकिन 10 घंटे बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन अपनी ओर से रेस्क्यू अभियान चला रहा है, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं इसमें किसी तरह की लापरवाही सामने आई है, इसे लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की आग लगी है और कब से लग रही है और अब क्या है? सर, जैसा कि हमको पता चला है कि सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे आग चालू है रेगुलर, और अब तक की 100-125 घड़ियाँ लग चुकी हैं यहाँ पर बुझाने में, पर अभी तक आग पर नियंत्रण नहीं है और आगे कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या रात भी चल सकता है। क्या अभी भी आग चालू है? रेगुलर चालू है। देखो ना आप, इस तरह से धुआं जितना तेज आ रहा है, अभी लपटें उठ रही हैं इसके अंदर जी। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं भैया इस विषय पर। नुकसान तो बहुत लंबा चौड़ा हुआ है सर, बहुत लंबा चौड़ा। कम से कम हमारे 5-6 तो मेडिकल स्टोर खत्म हो चुके हैं अंदर की तरफ, और उसके अलावा होजरी का है, इलेक्ट्रॉनिक है, और कई इस तरह के व्यापारी हैं जो कि परेशान हैं इस विषय को लेकर। हाँ, हम भी हैं सर। इधर का इस वाला मार्केट हमारा है पूरा, मयूर मार्केट जो है, यहाँ पे सारे व्यापारियों को आदेश दिया गया है कि आप थोड़ा सा दुकान का सामान इस तरफ कर लीजिए, इस ओर डाल लीजिए, कि भाई उस तरफ का जो चोर है अगर दीवार में क्षतिग्रस्त होती है, किसी प्रकार की जो हानि होती है, तो उससे बचा जाए।